अब एक भी बस नहीं है, अब जो एक ही चीज़ मिल सकता है वो है कीचड़। उसका दर्शन पहले भी होता था, अब भी होता है, और आगे होगा कि नहीं इसका हम नहीं बता सकते। और ये जो बैट बॉल खेल रहे हैं इन्हें देखकर हमें कुछ यादें जो है ताज़ा हो गई, वो है अंकुश कुमार। पूरा सन्नाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, यानी डेंगू वगैरह का होने का चांस भी बढ़ जाता है। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं फिर से पुराने वाला जो बस स्टैंड था वहां पे, और यहां पे आके देख रहे हैं कि यहां पे जो है पुरानी तरह से जो है अब एक भी बस नहीं है, अब जितना भी बस वगैरह है सब खराब जो पड़ा हुआ था वो सारे हैं। तो यहां पे अब पूरी तरह से जो है वीरानियां पसर चुकी है और अब यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसके देखिए हम इसको चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिल सकता है वो है कीचड़। वो उसका दर्शन पहले भी होता था, अब भी होता है, और आगे होगा कि नहीं इसका हम नहीं बता सकते। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है हमारे पीछे देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पीछे जो है सारे बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, और ये जो बैट बॉल खेल रहे हैं इन्हें देखकर हमें कुछ यादें जो है ताज़ा हो गई। जब बस स्टैंड आपके यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था तब की बात है, यहाँ पे जो है पहले भी बैट बॉल हुआ करता था। जब बस स्टैंड नहीं स्टार्ट हुआ था उस समय सिर्फ ये वाला बना था, और ये वाला काफ़ी दिनों तक बना हुआ था। और बनने के बाद क्या होता था कि यहाँ पे उस टाइम भी है जब कि 2002 या 3 की बात है, उस समय भी जो यहाँ पे क्या था कि बैट बॉल लोग खेलते थे, और वो दिन फिर से वापस आ गया यहाँ पे। अब सारे बच्चे फिर से जो है आपको देख रहे हो कि बैट बॉल खेल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए आए थे तो यहाँ पर हमारे साथ हैं, ये हमारा जो है एक भांजा है, वो है अंकुश कुमार। चलो चैनल को हाई कर दो। हाय दोस्तों, चलो कैसा लग रहा है जब बस खाली दिख रहा है तुमको? था पूरा सन्नाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, जहाँ भी देखें पूरा कीचड़ ही कीचड़ हमको दिख रहा है। शांति कैसा लग रहा है? शांति बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बस एक ही चीज़ यहाँ पे गंदा कि सब जगह कचरा भी साफ़ नहीं हुआ है, यहाँ पे साफ़ नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हो ना कि अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे देखने में भी। काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना आपको करना यहाँ पर, दिक्कतों का सामना आप क्या करना पड़ेगा, अब तो कुछ है ये नहीं है। तो देखिए, जब ये बस स्टैंड पहले स्टार्ट था तब भी यहाँ पर जो है पानी भरा रहता था, और अब जब अब बंद हो गया है तभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पानी ही भरा हुआ है। यानी कि यहाँ जो है ना बस स्टैंड तो चला गया है, पर यहाँ पर जो कचरा है वो पूरी तरह से फैला हुआ ही है, और सब जगह पे देखिए तो खाली कचरा 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 ही फैला हुआ है, कोई साफ सफाई ही नहीं हुआ, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए बस स्टैंड के पास जो है पूरा पानी भरा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी है। ये जो पीछे पानी दिख रहा है आपके पीछे, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है तालाब की तरह कि हम लोग यहाँ पड़ा है और मछली मारे हैं यहाँ पर। तालाब की तरह लग रहा है, तो जाइए तैरिए, और क्या इसमें तैरने ही क्या, इतना गंदगी है यहाँ पर, गंदगी ज़्यादा है ना। हाँ, काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया इस पर। और दूसरा नंबर है कि यहाँ पे जो है ये पानी जो है बरसात वाला, चूँकि साफ़ वाला है, तो यहाँ पे जो है मच्छर भी होने की समस्या बढ़ सकती है। हाँ बात सही है, अगर मान लें डेंगू बढ़ जाता तो इसमें क्या सोच रहे हैं, बढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं बढ़ना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या फैसिलिटी होना चाहिए? साफ़ सफाई करना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हाँ, देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर कचरा उचड़ा फैला हुआ है, और अगर इसको साफ़ नहीं करवाया गया तो एक महामारी फिर यहाँ से जन्म ना ले ले, यानी डेंगू वगैरह का होने का चांस भी बढ़ जाता है। और बगल में शहर है तो ये लोगों को, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा ध्यान देकर इसको साफ़ सफाई करवा दिया जाए, ताकि जो है आपको इसका मज़ा और बेनिफिट दोनों मिल जाए। नया बस स्टैंड शिफ्ट होने के बाद भी यहाँ पर जो है सफाई अभी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कचरा, बहुत ज़्यादा। और इस तरह से पूरा बस स्टैंड तो वीरान हो ही चुका है, यहाँ पे जो बगल बगल में होटल वगैरह था वो सब जगह पे वीरानियाँ ही हैं, हर जगह पे शांति, कोई काई कोई नहीं, कोई टाइम टू नहीं, तो दिन भर यहाँ पे हॉर्न का आवाज़ आता था, जहाँ पे दिन में कभी दिन रात में कभी भी जो है हॉर्न का आवाज़ नहीं बंद होता था, आज वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शांति ही शांति है। तो इस तरह से देख रहे हो कि यहाँ पर जो है शांति, और इसके साथ रोड पर भी पूरा शांत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर है, रोड पर जो है पूरा तरह से जो है शांति आपको देखने के लिए मिल जाएगा।